हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अब गर्मियों का सीजन चल रहा है और कहीं ना कहीं आप बोर नहीं हो गए अभी तक लस्सी और मिल्क शेक पी पी के वही पुराने वाले, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ अलग ही टाइप की लस्सी। इसमें मैंने दो तीन वही पुरानी वाली लस्सी रखी है लेकिन उनको थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है और कुछ बिल्कुल ही नई लस्सी जैसे कि नींबू पानी लस्सी, कोल्ड कॉफ़ी लस्सी, ये भी बनाई है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करना, मुझे पता है आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते। अब ये छह नई तरीके की लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लस्सी का बेस बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 किलो तक दही ली है। ध्यान रहे कि दही खट्टी नहीं होनी चाहिए और उसको पहले हमें फेंटना होगा। देखो यहाँ पर आप चाहो तो आप इसको मिक्सी में भी फेंट सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पर थिक लस्सी नहीं बना रहा, लेकिन अगर आपको थिक लस्सी बनानी है तो आपको ऐसी मथानी चाहिए ही होगी। तो आप यहाँ पर सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लेना। फेंटने के बाद आपको यहाँ पर लगभग 3/4 कप पाउडर शुगर डालनी है। आप चाहो तो आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हो लेकिन उसको मिलाने में आपको काफी दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ही डाली है। और बस फिर आप इसको यहाँ पर अच्छे से मिला देना। यहाँ चीनी के साथ साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाला है क्योंकि ये फ्लेवर्ड लस्सी है तो उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम करने के लिए। अगर आप नॉर्मल अमृतसरी टाइप लस्सी बनाओगे तो फिर तो आपको इसको काफी थिक रखना ही पड़ेगा। सबसे पहले बनाते हैं सबसे इजी वाली, यानी कि मैंगो लस्सी। तो मैंगो लस्सी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले काजू को थोड़े से गर्म पानी में रखा है। जी हाँ, मैंगो लस्सी में थोड़ा सा काजू डालेंगे ताकि थोड़ी सी क्रीमीनेस आए। तो मैंगो लस्सी बनाने के लिए तो अपने ब्लेंडर जार में मैंने सबसे पहले डाला है कटे हुए मैंगो। तो यहाँ पर एक ग्लास बनाने के लिए आपको एक मैंगो तो चाहिए ही होगा। थोड़ा सा हम इसमें काजू डालेंगे, साथ में अब इसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर डालना, इलायची पाउडर डालना, बहुत ही टेस्टी लगेगा, और बहुत थोड़ा सा काला नमक। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर इसमें बर्फ डाली है और एक कटोरी भरकर जो हमने मीठी दही बनाई थी ना वो आप यहाँ पर डाल देना। और बस आपको यहाँ पर इसको अच्छे से ब्लेंड करना है और आपकी मैंगो लस्सी तो पूरी तैयार है। इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा सजा दूंगा क्योंकि सजा के थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने एंड में कटे हुए मैंगो डाले हैं, बहुत छोटे छोटे काट के डाले हैं। साथ साथ अगर आपके पास है तो इसमें आप टूटी फ्रूटी जरूर डालना, बहुत ही टेस्टी लगता है। और थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा काजू ये जरूर डालना। तो अब बनाते हैं हम चॉकलेट वाली लस्सी जो बच्चों को तो बहुत पसंद आई। तो इसमें मैंने बस थोड़े से चॉकलेट के क्यूब्स डाले हैं। मैंने यहाँ पर अमूल चॉकलेट यूज करी है, आप चाहो तो आप डेयरी मिल्क भी कर सकते हो, जो आपको पसंद आती है वो करना। थोड़ी सी चॉकलेट आपने डालनी है, साथ में थोड़ी सी फ्रेश क्रीम और बहुत थोड़ा सा दूध। इसको एकदम लो फ्लेम पे पहले मिला लेंगे अच्छे से और जैसे ही सब कुछ पिघलने लग जाएगा आप गैस को बंद कर देना, बहुत देर तक मत पकाना, सब कुछ आराम से मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ये नीचे से चिपकना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। एंड में मैंने बस इसमें थोड़ा सा कटा हुआ बादाम काजू भी इसमें डाल दिया है, इसको भी मिला देंगे और आपके चॉकलेट का बेस तो पूरा तैयार है। अच्छा, अब इसकी लस्सी कैसे बनाए। लस्सी बनाना बहुत सिंपल, आप बस ब्लेंडर जार में थोड़ा सा ये चॉकलेट का बेस डालना, चाहो तो आप पूरा डाल देना लेकिन कोई नहीं, मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है। हम इसको ग्लास में डालेंगे अच्छे से एकदम बेस में, बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ एक कटोरी आपने जो लस्सी का बेस हमने बनाया था वो आपने डालना है, मीठा वाला बेस। आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करना है और आपकी चॉकलेट लस्सी पूरी तैयार है। सर्व करने के लिए मैंने इसको यहाँ पर अच्छे से सजाया है। तो ग्लास में सबसे पहले जो मैंने थोड़ी सी चॉकलेट बचा के रखी थी जो हमने बेस बनाया था ना पहले, वो आप यहाँ पर डालना। और ग्लास मैंने अच्छे से डिजाइन बना दिया है चॉकलेट सिरप की हेल्प से। बस आपको जो एजेस हैं ग्लास के उसमें आपको थोड़ी सी चॉकलेट सिरप पोर करनी है और अपने आप ही डिजाइन बनता जाएगा। बस अब आप इसमें डाल लो लस्सी। आप यहाँ पर इसको सजाने के लिए मैंने थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स डाले हैं, थोड़ा सा काजू पिस्ता एंड अगेन थोड़ा सा और चॉकलेट चिप्स डाल दिए क्योंकि मुझे पसंद है बड़े। नेक्स्ट हमारी आती है रूह अफजा वाली लस्सी। रूह अफजा वाली लस्सी बनाना सबसे आसान है, पहले सारी इजी इजी वाली बना लेते हैं। इसमें मैंने डाला है काफी सारा रूह अफजा, थोड़ा सा आपने डालना है इलायची पाउडर एंड देन आपने डालनी है एक कटोरी दही का जो हमने बेस बनाया था वो आप यहाँ पर डालना, साथ में थोड़ी सी बर्फ
और थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा। बस आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करना है और आपकी रूह अफ़ज़ा वाली लस्सी पूरी तैयार है। और इसको पलटा मैंने ग्लास में, अरे वाह बहुत बढ़िया। अच्छा एंड में मैंने इसमें थोड़ा सा कटा हुआ काजू पिस्ता डाला है और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की टूटी फ्रूटी डाली है। लस्सी के ग्लास में आइसक्रीम शेक हो या मिल्क शेक भी हो, उसमें टूटी फ्रूटी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा अब हम बनाएंगे थोड़ी सी स्पेशल नींबू पानी वाली लस्सी। जी हाँ, तो नींबू पानी वाली लस्सी बनाने के लिए पहले हमें एक मसाला बनाना होगा। सिंपल सा मसाला है, आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। मसाले में बस आपको डालना है जीरा पाउडर, काली मिर्च, काला नमक और बस यही मसाला है। मैंने यहाँ पर सिंपल शिकंजी मसाला रखा है। तो अपने ब्लेंडर जार में सबसे पहले आपको यहाँ पर नींबू पानी बनाना है। तो यहाँ पर मैं डालूंगा एक नींबू का रस, जो हमने मसाला बनाया है वो आपने अब यहाँ पर डालना है। साथ साथ इसमें यहाँ पर आपको एक चम्मच चीनी डालनी पड़ेगी। नींबू पानी थोड़ा सा सॉल्टी एंड स्वीट अच्छा लगता है। फिर आएगी बर्फ और थोड़ा सा पानी। इन सब के साथ साथ आपको यहाँ पर डालना है एक कटोरी मुझे लस्सी का जो बेस बनाया था हमने वो आप यहाँ पर डालना, और थोड़े से कटे हुए पुदीना के पत्ते। और बस अब आप इसको ब्लेंड कर देना और ये हमने डाला इसको ग्लास में, है ना बिल्कुल यूनिक सा। इस वाले को थोड़ा सा अच्छे से सजाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐसे एक नींबू का स्लाइस काट कर डाल दिया है, ग्लास में बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा जो मसाला था वो आप यहाँ पर डाल देना, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ताकि दिखने में बहुत अच्छा लगे। और एंड में बस एक पुदीने का पत्ता सजा दिया है। अमेजिंग लग रहा है, सिंपल है, ईजी है, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है, यूनिक सा है। अच्छा नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वो है बनाना लस्सी। सबसे सिंपल है ये, एक कटा हुआ आपने बनाना लेना है। उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ी सी जो काजू हमने भिगा के रखे थे वो आप यहाँ पर डालना, और एक कटोरी हमारी लस्सी का बेस वो आपने यहाँ पर डालना। अच्छा आपने इसको ब्लेंड करना है और सीधा ही ग्लास में आपने इसको पोर कर देना है। अच्छा इसके ऊपर क्या डालेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे कटे हुए बनाना ताकि थोड़े से चंकी चंकी लगे ऊपर से। टूटी फ्रूटी तो पक्का डालूंगा, साथ में थोड़ा सा कटा हुआ काजू और थोड़ा सा पिस्ता, दैट्स इट। ओके लास्ट में हम बनाएंगे कोल्ड कॉफी लस्सी। कोल्ड कॉफी लस्सी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कॉफी ली है, उसको थोड़ा सा ब्रू करेंगे। गरम गरम पानी में आप इसको डाल के रखना थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट ही काफी है, 2-3 मिनट काफी है। आखिर इंस्टेंट कॉफी है तो इंस्टेंटली ही तो काम करेगी, तो ये यहाँ पर कॉफी फ्लेवर देगा। तो यहाँ पर मैंने अपने ब्लेंडर जार में डाली है वो कॉफी, साथ साथ एक आइसक्रीम का स्कूप आप जरूर डालना, बहुत टेस्टी लगता है कोल्ड कॉफी में। इसके साथ थोड़ा सा दूध, बर्फ जो हमारा लस्सी का बेस था, एक कप आपने यहाँ पर डालना है। और बस आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लो। और हाँ अगर आपको इसको एंड में पीने में थोड़ी सी बिटरनेस लगती है तो आप चाहो तो आप इसमें एक चम्मच भर के चीनी भी डाल सकते हो एक्स्ट्रा। मैं नहीं डाल रहा क्योंकि मेरे को तो थोड़ी कड़वी कॉफी पसंद है। बस आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना। अब एंड में सर्व करते टाइम इसको बहुत सिंपल रखा है मैंने, ग्लास को बिल्कुल वैसे ही चॉकलेट सिरप से सजा दिया है। कोल्ड कॉफी वाली लस्सी डालना, थोड़ा सा मैंने चॉकलेट स्प्रिंकल कर दी है, और साथ में मैं रखूंगा यहाँ पर एक चॉकलेट वेफर, दैट्स इट। इतना सिंपल है। तो कैसी लगी आपको थोड़ी सी यूनिक लस्सियाँ? मुझे पर्सनली सारी बहुत अच्छी लगी, और मेरी फेवरेट पूछो तो मेरी फेवरेट नींबू पानी वाली लस्सी है। आपकी कौन सी फेवरेट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर कोई लस्सी का यूनिक आइडिया है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं वो ट्राई तो ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।